हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेन क्लासेस। तो जीटेन क्लासेस के अंडर क्लास 12 की मैथमेटिक्स में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कवर कर रहे थे, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में होप्सो की आपको याद होगा कि छह चीजें हमें कवर करनी थी और हम लोग आधा कवर कर चुके हैं। उन आधों में हम लोगों ने देखा डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर, एरर्स अप्रोक्सीमेशन, मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स हम लोगों ने दोनों थ्योरम्स कवर की थी, रोलेस थ्योरम एंड लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अभी तक देखिए एरर, एरर्स अप्रोक्सीमेशन और ये मीन वैल्यू थ्योरम, ये तीनों चीज जो थी ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है, बट अगर आएगी तो वो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का जो भी वेटेज होता है आपके बोर्ड में वो पूरा लेके जाएगी। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर ऐसा टॉपिक था जो कि आपका आगे भी यूज होगा, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, दो इक्वेशन लिख के डिफ्रेंशिएट ही करना था। अब ये जो अगला टॉपिक है हम लोग जो कवर करेंगे आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है तो इसकी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैंजेंट होता क्या है, नॉर्मल होता क्या है। तो सबसे पहले टैंजेंट क्या होता है, अगर ऐसे ही आम भाषा में बात की जाए तो टैंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, टैंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग टचिंग द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट। मतलब कोई अगर आपको एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो उसको एट ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। उस पर्टिकुलर ग्राफ को, मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा उसको वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगी। फाइन, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कोई भी ग्राफ ले लिया जाए, ये ग्राफ है हमारा, हमें बताना है कि पी पॉइंट पे टैंजेंट क्या होगी। तो पी पॉइंट पे टैंजेंट कुछ ऐसी होगी स्ट्रेट लाइन जो कि उस ग्राफ को उस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा कहीं पे भी टच नहीं करेगी, यहाँ पे टच नहीं करेगी, ऐसे है ग्राफ हमारा। ठीक है, हर पॉइंट पे अपनी अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब यूनिक कह सकते हैं, यूनिक या डिस्टिंक्ट टैंजेंट होगी। अगर आपको बोला जाए कि पी पे टैंजेंट बनाओ तो पी पे आप एक ही टैंजेंट बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ बोला जाए क्यू पे टैंजेंट बनाओ तो क्यू पे आप एक ही टैंजेंट बना सकते हैं। इसी तरह से किसी भी पॉइंट पे आप ग्राफ पे एक ही टैंजेंट बना सकते हैं, बट हाँ हर पॉइंट पे टैंजेंट बनाना पॉसिबल होता है। उसके बाद क्या होता है, ये था हमारा टैंजेंट। अब टैंजेंट है तो कोई भी टैंजेंट होगी तो वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी जब हम उसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो जो एंगल बना रही होती है वो एंगल हम लोग किसके साथ लेते हैं, एंगल हम लोग लेते हैं विद दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विद दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो टैंजेंट होगी वो एंगल जितना बना रही होगी वो हम लोग कंसिडर करेंगे। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल है ना, टैन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब देखिए स्लोप ऑफ टैंजेंट है तो कहाँ पे है, हर हर टैंजेंट का अलग अलग एंगल होगा, क्योंकि भैया हर टैंजेंट अलग अलग एंगल बनाएगी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाएगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे बनाएगी। तो बोला जाता है दिस इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू जो भी फंक्शन है, टू एफ एक्स एट पॉइंट P। आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, जाहिर सी बात है बिना कोऑर्डिनेट्स के तो पॉइंट हम लोग बनाएंगे नहीं। तो दिस वाज अबाउट टैंजेंट। अब नॉर्मल क्या होता है कि आपने जब भी किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट बना लिया तो उस टैंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको बोला जाएगा नॉर्मल। तो ये क्या हो गई हमारी नॉर्मल, मतलब पी टी इज टैंजेंट एंड पी एन इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो गया हमारा, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उस मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारा जो टैंजेंट था वो ग्राफ के साथ कॉन्टैक्ट में है, मतलब उसी पॉइंट पे हम टैंजेंट भी ड्रॉ कर लिए हमने और उसी पॉइंट पे हमने क्या किया, नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए कि जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम टी से,
और अब जाहिर सी बात है नॉर्मल है तो नॉर्मल का भी स्लोप होगा, क्योंकि अगर एक लाइन है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रही होगी। अगर एंगल बना रही है तो उस एंगल का हम लोग टैन निकाल सकते हैं, टैन क्या है फंक्शन ही तो है, टैन निकाल सकते हैं, और अगर टैन निकल गया तो स्लोप निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा कि स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एनटी से और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम एन से। अगर अभी तक मैं आपको मतलब इस वीडियो को देखने से पहले आपको टैंजेंट नॉर्मल में कुछ भी जरा सा भी कंफ्यूजन रहा होगा कि टैंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये क्या बवाल है, ये क्या है, मतलब स्लोप क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन टैंजेंट एंड नॉर्मल और उनका स्लोप क्या होता है। ठीक है, स्लोप इज टैन ऑफ एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जरूर याद रखिएगा, उल्टा मत ले लीजिएगा। तो टैंजेंट नॉर्मल के बाद अब हम लोग स्लोप पे आते हैं कि ठीक है स्लोप बता तो दिया टैन थीटा होता है, अब स्लोप होता क्या है, स्लोप इज ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो इसमें से पहले तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, तो इसमें जो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं ग्रेडियंट पे। मान लीजिए सिंपल पहले आपको स्लोप पता होना चाहिए, टैंजेंट नॉर्मल को ना इंट्रोड्यूस करते हुए अगर आपको एक लाइन दे दिया जाए, सिंपल से एक लाइन दे दिया जाए, बोला जाए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। लाइन है तो वो प्लेन में होगी, प्लेन में होगी तो पक्का है वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काट रही होगी, नहीं काट रही होगी तो हम एक्सटेंड करके कटवा देंगे भाई। ठीक है, अगर काट रही होगी तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, एंगल बना रही होगी तो स्लोप होगा, इतनी सी कहानी है। अब स्लोप होता क्या है, सबसे पहले केस वन, अगर आपको एक लाइन दे दिया जाए पी क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन और ये है हमारा एक्स टू कॉमा वाई टू, तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगा, कुछ नहीं होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। ये बस आपको यहाँ पे इसलिए बता दिया जा रहा है कि मान लीजिए अभी आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं कवर किया है, 11th क्लास का मिस हो गया है आपसे, कोई दिक्कत आ गई थी, नहीं आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी जब हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर कवर करेंगे तो ये चीजें आपको डराइव कराई जाएंगी। फाइन, ये होता है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स आर गिवन, एंड पॉइंट या कोई भी पॉइंट का दिया हो स्लोप वही होता है। ठीक है, केस टू, अगर एक लाइन दी हुई है और इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, मतलब ये ए बी ले लीजिए कि जब इक्वेशन दी है तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास लाइन होगी उसके दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे तो आप कैसे स्लोप निकालेंगे, या तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया जाएगा तो आप उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ये दोनों चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग टैंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर के मेन पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब स्लोप ऑफ अ लाइन तो आपको क्लियर हो गया कि स्लोप होता क्या है, टैन थीटा, और उसके बाद अगर ऐसे कुछ दिया है तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि एक फंक्शन दे दिया गया और बोला गया फंक्शन पे या मान लीजिए कुछ एक, हाँ ठीक है चलिए फंक्शन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि ऐसे करके ही कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो आपको बताना है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट p। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज नथिंग, आपको क्या करना है स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी, आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, dy बाय dx निकालिए, और dy बाय dx निकालने के बाद आपको पॉइंट रखना होगा x की जगह x1 और y की जगह पे y1, एंड दिस विल बी द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट p। ठीक है, p पॉइंट पे आपका टैंजेंट आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि आपकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी दे दिया जाए, पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया जाए, लॉग दे दिया जाए, एक्सपोनेंशियल दे दिया जाए, आप लोग डिफरेंशियल पूरा पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल यू नीड टू नो इज कि स्लोप होता क्या है। पूछा जाए स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पी, पॉइंट क्या है आपका 1, 3। ठीक है, पॉइंट ऐसा ही दिया जाएगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता रहेगा। अब ये अगर आ गया आपका, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 3x² प्लस 4x आएगा। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकालना है, एट पॉइंट पी निकालना है। एट पॉइंट पी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 1 रखा तो ये आ गया आपका 7। खत्म बात, स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया हमारा। अब आप कहेंगे कि जब रखना एक्स की वैल्यू थी तो वाई क्यों दिया गया। वाई इसलिए दिया गया कि मान लीजिए आपका जो फंक्शन था वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। रिकॉल कर पा रहे होंगे आप लोग कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता था। अगर फंक्शन आपका इम्प्लिसिट है तो जाहिर सी बात है कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वहां पे वाई भी आएगा। जब वाई आएगा तो फिर वाई की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो यह आ गया 8.p डी वाई बाई डी एक्स आपका 7 आ गया। कुछ नहीं होता अगर पहला टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप 1 क्वेश्चन था कि जब आपको सिंपल इक्वेशन ऑफ द कर्व दे दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इसकी टैंजेंट निकालिए, सॉरी स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालिए। कुछ क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू साइन x² प्लस e टू द पावर x दिया है। जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ बनाए, अब आप इसका ग्राफ कैसे ही बनाएंगे। बोल दिया गया कि 8x इज इक्वल टू 1 या 2, आपको बताना है स्लोप ऑफ टैंजेंट। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, एक्स की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स किया, साइन एक्स स्क्वायर का आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स की जगह पे आप 2 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 4 cos 4 प्लस ई स्क्वायर। काम खत्म, स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट द पॉइंट वेयर, एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट वाज 2। कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है कि स्लोप निकालिए कहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ का एब्सिसा या ऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा। स्पेलिंग आप लोग मैच कर लीजिएगा, कुछ ऐसा ही होती है एब्सिसा, कुछ जो भी होती है एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो कभी कभी ये वर्ड्स, ये टर्म्स यूज कर लिया जाता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट हुज एब्सिसा इज द पॉइंट, एट द पॉइंट आपको पता करना है टैंजेंट का स्लोप जहाँ पे एब्सिसा इतना है और ऑर्डिनेट इतना है। तो अगर आपको, अच्छा जैसे कि चलिए इतना नोट डाउन करिए फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको जो भी इक्वेशन दी थी वहां पे मतलब कुछ इम्प्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शन दे दिया जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि एक फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट द पॉइंट हुज, मतलब एट द पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इज 1। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा ना, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, और dx बाई डी एक्स तो 1 हो ही जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई आएगा। अब भैया डी वाई बाई डी एक्स आ गया, आपको पॉइंट की वैल्यू रखना है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे, बात तो ये आती है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका ये जो भी ग्राफ था ऐसे करके यहाँ पे अगर आपको टैंजेंट बनानी है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा।
अगर x इज इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन में अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख दें तो y की वैल्यू वो भी निकल जाएगी। तो y की वैल्यू निकालने का यही तरीका है कि आप x कोऑर्डिनेट उठाइए, इक्वेशन में रखिए, वहां से y निकालिए और फिर लाके इसमें पुट करिए। y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ y और फिर y लाके यहाँ पे रखिए, x और y लाके स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि जब आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अच्छा एक चीज और, देयर आर टू लाइंस हैविंग स्लोप एम वन एंड एम टू, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी पैरेलल है, दिख रहा ही होगा। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। ठीक है, और क्या है कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो दोनों का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 होगा। अब ये चीज आई कैसे वो हम लोग देखते हैं, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को पॉज करके इतने कहानी जो भी हुई है नोट डाउन कर लीजिए। दो क्वेश्चन था पर फिर भी ये एब्सिसा ऑर्डिनेट, और इन केस आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए कि आपको जो भी पॉइंट है उसका एक ही कोऑर्डिनेट दिया है, इधर एक्स और वाई, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आप लोग स्लोप निकालने में जो यूज करना है वो कहाँ से लाएंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे, वो इक्वेशन से लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि ये कैसे आया होगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास दो लाइन है, ठीक है, ए बी जिसका स्लोप है एम वन और सी डी जिसका स्लोप है एम टू, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अगर आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का सिंपल सा फॉर्मूला है टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस एम वन एम टू, वेरी सिंपल। ठीक है, एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम वन एम टू, यहीं से आएगा। देखिए, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, टैन 0 0, टैन 0 0 मतलब ये पूरा जो टर्म है वो 0 आ गया। इसका 0 होने का मतलब क्या हुआ कि एम वन एम टू के बराबर रहा होगा, तभी लाइंस पैरेलल हुई हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ लाइंस आर पैरेलल दोनों का स्लोप जो है वो बराबर आएगा। उसके बाद सेकंड केस है आपका कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, टैन 90 नॉट डिफाइंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, टैन 90 इज इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन में 1 प्लस एम वन एम टू, तो यहां से टैन 90 नॉट डिफाइंड मतलब 1 अपॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एम वन एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, मतलब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप जो होंगे वो बराबर होंगे। तो कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक ग्राफ फंक्शन दे दिया और बोला कि टैंजेंट एट अ पॉइंट इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन, जैसे कुछ ऐसे दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ है जो टैंजेंट है आपका इस पैरेलल टू 2x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको क्या करना होगा। अब कैसे करेंगे, अब आप ऐसे करेंगे कि आपको स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन दी रहती है तो स्लोप निकाल लेते हैं ना, क्या होता था स्लोप, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी -2 अपॉन 1, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, या गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x आएगा, आएगा। अब बात आती है कि जो पॉइंट है आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है, मान लिया जो पॉइंट था जिस पे हमने टेंजेंट निकाला है वो है x1 y1, ठीक, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो आएगा 2x1 वो किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा, x1 क्या हो गया आपका, -1 आ गया। अब फिर वही चीज हो गई कि x1 y1 जो है वो ग्राफ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप उठाइए x1 की जगह यहाँ पे रखिए,
मतलब जब x x1 होगा तो y क्या होगा, y1 होगा, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू उठा के रखिएगा, y1 आ जाएगा, तो आपको पॉइंट निकालने को बोला जाएगा। ये भी बोल सकता है कि जो टैंजेंट है वो एक पर्टिकुलर लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, तो वहां से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो ये जो लिखा है कि इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, और अगर दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये दो कॉन्सेप्ट और अलॉन्ग विथ कि जिस पॉइंट पे आप टैंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं वो पॉइंट आपका ग्राफ पे ही लाई करेगा, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इन केस आपको कोई इक्वेशन की नीड होती है तो आप उठा के वो वहां पे रख दीजिएगा, फाइन। अब आपने हमने देखा, अच्छा इतना नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर करते जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है पढ़ाने में, बट आपके पास हर कुछ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, फाइन। अब हम लोगों ने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि टैंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और नॉर्मल दोनों क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, होते हैं, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1। कभी भी आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला जाए कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा तो आप टैंजेंट का निकालिए और फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके आप नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। इतना था पहले तरह का क्वेश्चन कि जब आपको सिर्फ स्लोप निकालना है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, टाइप 2, कि यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल या टैंजेंट की इक्वेशन निकालने। तो ये कैसे निकलता है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन, कि जब आपको एक पर्टिकुलर लाइन दी हो, मतलब दो एक लाइन की इक्वेशन निकालना हो और हमें पता है कि उस लाइन का स्लोप क्या है और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, तो स्लोप क्या, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, अगर याद आ रहा है तब तो वेल एंड गुड, जल्दी से फटाक से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और नहीं आ रहा है तो हमारे साथ लिखिए, नहीं आ रहा था तो 1 मिनट बाद आपको भी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड अ गिवन स्लोप, मतलब आपको स्लोप भी पता है और लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी पता है, कुछ ऐसा, ये लाइन है आपकी, आपको ये थीटा पता है, आपको ये उस पे लाए करने वाला एक पॉइंट पता है, ठीक है, मतलब यहां से टैन थीटा। तो इक्वेशन होती है y-y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x-x1, काम खत्म, बस इतना सा आना चाहिए। अब इतना नोट डाउन कीजिएगा, टैंजेंट का स्लोप पता है, जैसे अगर आपको टैंजेंट निकालने को बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है पॉइंट भी दिया जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट पे आप टैंजेंट का स्लोप निकाल रहे होंगे, तो ये पॉइंट x1, y1 आपको पता ही है, आपने dy/dx निकाल ही लिया है स्लोप के फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, y-y1 इज इनटू dy/dx, कहाँ पे निकालेंगे आप, एट पॉइंट x1 y1, स्लोप हो गया इंटू x-x1, काम खत्म, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला जाएगा तो आप इस रिलेशन को यूज करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लीजिएगा, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास करेगा, तो y-y1 इंटू यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो कुछ ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इसी तरह से जब आपको निकालना होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या होगी, वो y-y1 -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, यहां से स्लोप ऑफ टैंजेंट वॉज dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इंटू x-x1, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका इजिली निकल जाएगा। तो दिस वॉज टाइप 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए हम लोग एंड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और उम्मीद पूरी है मुझे कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, होता भी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया,
अब बात आती है कि अगर आपसे देखिए, अभी तक क्या था कि दो लाइन थी, दोनों का स्लोप पता था, बोला गया कि दोनों के बीच में एंगल निकाल दो, निकाल दिया। इसका क्वेश्चन करने की कोई नीड नहीं है वाई, क्योंकि स्लोप आप निकाल देना, पॉइंट आपको पता है, इतना तो आपको आता ही होगा। इतना पहले फट से नोट डाउन करिए कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होती है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है और दोनों के स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है। अब बहुत एक छोटा सा टॉपिक बचा है और उसके बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दो चैप्टर और पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का काम खत्म। फिर हम लोग मूव करेंगे अपने अलग से टॉपिक इंटीग्रेशन पे, और इंटीग्रेशन भी पूरी गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद इंटीग्रेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात आती है कि आपको लाइन के बीच में आप एंगल निकाल रहे हैं। अब आपको बोल दिया जाए अगर कि दो ग्राफ है, दो फंक्शन है, दो कर्व है, उनके बीच में एंगल निकालो, कुछ ऐसा। एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स था और एक y इज इक्वल्स टू जी एक्स था। अब बोला जाए कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 8 पॉइंट P, फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स। 8 पॉइंट P, फाइंड द एंगल बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स। आपको तो पता ही नहीं है एंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है ये भी नहीं पता है। तो क्या करना रहता है कि उस पॉइंट पे आपको सिंपल टैंजेंट बनाना रहता है, ठीक। कर्व के बीच में एंगल निकालना इज सेम थिंग कि आप उस पॉइंट पे टैंजेंट बनाइए और टैंजेंट के बीच में एंगल निकालिए, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, आपको टैंजेंट ही चाहिए होगा। तो एक क्या होगा, इस पे टैंजेंट ये बनेगा और इस पे टैंजेंट ये बनेगा, इनके बीच में एंगल ये होगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये निकालिए, 8 पॉइंट P ही निकालिएगा, ठीक है। और फिर स्लोप ऑफ फंक्शन जी एक्स कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके निकलेगा, डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स से निकालिएगा, डीवाई बाई डी एक्स पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया ही होगा, हालांकि नहीं भी दिया होता है, मान लीजिए पॉइंट पी नहीं दिया, बोल दिया एफ एक्स और जी एक्स के बीच में एंगल निकालिए एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात तो वो भी नहीं है। दो इक्वेशन है, दो ही अननोन होगा ना, एक वाई और एक एक्स, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। मतलब कुछ ऐसा कि अगर, अच्छा पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर देखते हैं। 8 पॉइंट P निकालिए और फिर थर्ड होगा कि जो एंगल होता है वो क्या होता है, टैन थीटा M2 - M1 अपॉन में 1 + M1 M2, काम खत्म। दोनों कर्व के बीच में भी एंगल निकल जाएगा, ठीक है। इतना नोट डाउन कर ही लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे इतनी तो। अब अगर एंगल बिटवीन द कर्व्स निकालना है तो सबसे पहला काम है कि आपको देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि बिना इंटरसेक्शन के एंगल कहाँ से निकलेगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो जो भी पॉइंट आएगा वो दोनों पे लाई करेगा। तो दोनों को उठा के आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व करके आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया, फिर दोनों उसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, दोनों इक्वेशन का टैंजेंट निकालना है, बट सॉरी टैंजेंट का स्लोप निकालना है। और फिर जब स्लोप पता चल गया तो दोनों के बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल, एक ग्राफ दिया है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो सबसे पहले आप लेट पी जो है वो ए कॉमा बी है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर भी होगा एंड बी इज इक्वल टू ए क्यूब होगा। सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस हम लोग को क्या मिलेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ऐसा मत करिएगा काट दिया, क्योंकि काफी पॉइंट्स मिल सकते हैं। यहां से क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 1। अगर ए की वैल्यू 0 है तो बी क्या होगा, 0। ए की वैल्यू 1 है तो बी क्या होगा, 1। मतलब ये जो दो ग्राफ है ये दो जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक आ रहा होगा पी पॉइंट 0.0 और एक आ रहा होगा 1.1, ठीक। और कुछ तो आ नहीं रहा होगा, ए स्क्वायर वैल्यू है, -1 -1 नहीं, ठीक है, इतना आ रहा होगा दो पॉइंट्स आपके आके। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, सिर्फ नोटेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको M1 निकालना है, dy बाय dx एट पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट, मतलब आपको एग्जाम में अगर दो पॉइंट आ रहा हो तो आपको दोनों करना पड़ेगा। ये P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए, P1 पे निकाल लिया, इसी तरह से M2 निकाल लिया,
dy by dx at point p2, और फिर दोनों के बीच में एंगल by using this particular formula, tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, तो ये था आपका कि आपको निकालना है एंगल बिटवीन दी कर्व्स. अब इसके बाद आपका क्या है, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि जब आपका एंगल बिटवीन दी कर्व्स निकल जाएगा तो एक टर्म आता है, टर्म इज ऑर्थोगोनल कर्व्स. इतना नोट डाउन कर लिया, इसको ही रेज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन था. मतलब कभी कभी क्या होता है कि दो इक्वेशन दे दिया गया और बोला गया प्रूव दैट दे आर ऑर्थोगोनल, या कहीं पे कंडीशन ही यूज कर दिया कि गिवन दैट द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, और उसके बाद कुछ आपको निकालना रहा. ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, m1 m2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ टैंजेंट्स टू बोथ द कर्व्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर आपको परपेंडिकुलर वाली कंडीशन याद ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. मतलब m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, m1 into m2 minus 1. कुल मिला के अगर बोला जाए कि दो कर्व दिया हुआ है, प्रूव दैट दे आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है, स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन प्रूव कर देना, काम खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म. बहुत सिंपल चैप्टर था, आपको सिर्फ डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, दो तीन कंडीशन हो याद होनी चाहिए, टर्म याद होना चाहिए, काम खत्म हो गया. तो कुल मिला के आपका चार चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आप टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन जरूर करिएगा. व्हाई, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम शायद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. तो साथ साथ अगर आप कंप्लीट करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि जब हम लोग इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे तो फिर वो आप लोग एकदम ट्रैक पे रहेंगे, ये नहीं रहेगा कि पेंडिंग काम आपके पास बहुत ज्यादा है. तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर लिए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ हो. इन केस बचा हो, ऐसे पूरी मतलब उम्मीद है कि नहीं बचा होगा, पर अगर बचा होता है तो आप प्लीज हमें बताइएगा ताकि हम वो भी कवर कर सके और कुछ लोगों को ये नॉलेज मतलब मिल सके और उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा. अपने फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ये मत बोलिएगा कि सब सब्सक्राइब करें, बट ये बोलिएगा कि एक बार देखें, ट्राई करें, शायद उनकी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए और उनको ये चीजें हेल्पफुल हो, मतलब उनके लिए हेल्पफुल हो और उनकी जो दिक्कतें थी हैं मैथ्स में वो सॉल्व हो जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम्स आते आते आने आने तक उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाए और उनके भी मार्क्स आए. आपने एंड तक हमारा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक्स अ लॉट. बाकी ठंड बहुत है, घर पे रहिए, आराम से पढ़िए, एंजॉय योर डे.